नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आज फिर आपके अपने YouTube चैनल पेट्सेवा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए रेसिपी ट्राई करेंगे जिसे सोयाबीन का कबाब कहा जाता है। बहुत कोई बोलते हैं सोयाबीन की टिक्की भी बोलते हैं, लेकिन जनरली ये सोयाबीन का कबाब ही होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसे ट्राई करेंगे और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और प्लीज़ 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 दोस्तों, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, तब तो आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचेंगे। सब्सक्राइब भी आप नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा दोस्तों? ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ने करीब 100 ग्राम सोयाबीन ले लिया है। करीब 1 से 2 आदमी का ये है, लोगों के लिए है। तो 100 ग्राम है सोयाबीन। अब इसे मैं देखिए, पानी पूरी तरह से खोल रहा है, कैमरा को मैं दिखाऊं, पानी खोल रहा है। अब खोलते हुए पानी में से उबालने के लिए हम लोग इसे ऐसे डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 से 7 मिनट ये उबल जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे की विधि आपको बताता हूँ। पूरी तरह से उबल चुका है सोयाबीन। अब ये हम लोग गैस ऑफ करके इसको अच्छे तरीके से इसमें निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से ये उबल चुका है। देखिए, तरह से बॉयल हो चुका था, जिसका जो एक्सेस वाटर है हम लोगों ने हटा दिया है। अब इसमें देखिए 1/2 चम्मच नमक डालेंगे दोस्तों, 1/2 चम्मच हल्दी, और ये पूरा 1 लहसुन पूरा कली और 2 मिर्चा इसमें। देखे दोस्तों, हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। देख रहे हैं, मैंने सोयाबीन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। अब इसमें हम लोग 1/2 से भी कम चम्मच गरम मसाला देंगे, धनिया पाउडर देंगे 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। ये देने के बाद दोस्तों, ये है 1 कटोरा मैदा। अब इसको हम लोग इसमें मिला लेंगे। देखिए, मिला के अच्छे से डाल के अच्छे से इसको मिला लेना है। पेस्ट बन गया। हम लोग ने मैदा डाल के इसको जो सोयाबीन का जो था इसमें पिसा हुआ उसमें मिला लिया है दोस्तों। और फिर से इसमें हल्के से तेल आपको लगा लेना है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। और इसको ऐसे निकालना है अच्छे से, और इसको ऐसे राउंड करके हाथ में ही, और इसको आप अच्छे से एक लंबा शेप देंगे दोस्तों। हल्का सा तेल ले लेंगे ताकि हाथ में चिपके नहीं। अच्छे से इसको एक शेप में बना लिया है। अब गैस ऑन करूंगा मैं। गैस ऑन हो गया, ऐसे फ्री हीट है जो तवा है, इसको तवा को मैं यहाँ रख दूंगा। पहले से इसको मैं गर्म कर रहा था। अब इसमें रिफाइन ऑयल लेना है दोस्तों। रिफाइन ऑयल को हल्का सा ऐसे पूरे तरीके से अच्छे से चला लेंगे ताकि ये तवा पे चिपके ना। और फिर इसको ऐसे अच्छे से उठाना है दोस्तों, इत्मीनान से आराम से उठाना है ताकि ये ठीक से उठ जाए। और ये देखिए, ये सोयाबीन का जो कबाब मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ये आप घर में भी शाम के नाश्ता के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ते के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें सोयाबीन है दोस्तों, और जो ये फाइबर का काम करेगा पेट के लिए तो अच्छा ही होता है ये। हो गया दोस्तों, अच्छे से हम लोग इधर से साइड से रिफाइन ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छे से ये पके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक गया है, दोनों साइड इसके अच्छे से पक गए हैं। और दोस्तों जैसा कि मेरे रेसिपी के हमेशा मेरा यही मोटो रहता है कि कम से कम तेल में मैं इस्तेमाल करके अच्छे डिशेज आपको बताऊं ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दोस्तों, अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा और इसको निकालता हूँ। बहुत ही
बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए दोस्तों ये पक गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा सोयाबीन का जो कबाब थे ये बनके अब तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे टेक्सचर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत साइड अच्छे से पक गए हैं दोस्तों। इसे मैंने सैलड के साथ गार्निश किया है, जो चिली और गार्लिक ये पेस्ट है साथ में, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा शाम का नाश्ता के लिए दोस्तों। बहुत ही जल्दी बन भी जाता है, बहुत कम तेल में बनता है दोस्तों, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ठीक रहेगा। प्लीज़ 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 ये घर पर ट्राई करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बस मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। फिर मैं मिलूँगा जल्दी एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।